सेवेंथ मैंने आपको प्रैक्टिस जोन टू कल करवा दिया था, और प्रैक्टिस जोन टू के बाद अब आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में ले चलता हूँ। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर से पहले आप पीवी के क्वेश्चंस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आप, इसकी जो इसके साथ में मैनुअल है वो, इसके साथ में जो प्रैक्टिस बुक है, वर्कबुक है, उससे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये वर्क मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने, मेरे ख्याल से अभिनव ने सारा भेज दिया है, अभिनव ने वर्कबुक का वर्क भी भेज दिया है, तो दिस इज़ वेरी गुड, और उसने कल सेंड किया था, अच्छा है, उसने बिना कही अपने आप देखो कर करके दिया है, वेरी गुड। और आप सब भी अब प्रैक्टिस बुक का वर्क करके मुझे सेंड कीजिए, ठीक है? तो प्रैक्टिस बुक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपको जो है इस चैप्टर में प्रैक्टिस बुक मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आपके फटाफट आज से वो आने चाहिए, सारे जो भी उसके क्वेश्चंस हैं उनको होमवर्क में सेंड करिए, और जिसमें प्रॉब्लम आए उसके बारे में आप उस क्वेश्चन को आप भेज दीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, या तो उसे अगले वीडियो में समझा दूंगा या उसकी पिक सेंड कर दूंगा, ठीक है? अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है? अब देखें ज़रा इसका कॉमिक पोर्शन क्या है। इफ डैक, ड्रिल डैक, एस्ट्रो डैक एंड क्लोन डैक आर ऑन द एक्सपेडिशन इन अ सी। तो ये चारों एलियंस जो हैं वे एक एक्सपेडिशन पे, अपने एक अभियान पर हैं, इन अ सी, समुद्र में हैं, ठीक है? दे हैव डिसाइडेड टू गो टू थ्री डिफरेंट आइलैंड्स। उन्होंने तीन आइलैंड सेलेक्ट किए और उन थ्री आइलैंड्स पर वो जाने वाले हैं। नाउ द आइलैंड दे हैव चूजन आर इक्विडिस्टेंस एंड आर इक्वा एंगुलर फ्रॉम ईच अदर। तो तीनों आइलैंड्स जो हैं, ये जो तीन आइलैंड्स हैं, एक ये है और एक और है अलग, जैसे इसमें देखो आप, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, ये एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल एंगल पर हैं और इक्वल डिस्टेंस है, एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। यहाँ ये डिस्टेंस और इनकी ये वाली डिस्टेंस, तीनों बराबर हैं, तो ऑब्वियसली एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे होंगे, ठीक है? लेकिन ये क्या बना रहे हैं ये बाद में बात करेंगे। आर इक्वल डिस्टेंस एंड आर इक्वल एंगुलर फ्रॉम ईच अदर, दे डिसाइडेड दैट थ्री ऑफ देम विल गो टू डिफरेंट आइलैंड। वो डिसाइड करते हैं कि हम तीनों अलग अलग आइलैंड्स पर जाएंगे, ठीक है? वन विल बी स्टेशनड एट सी सच दैट इट वुड बी ईजी फॉर द पर्सन टू रीच एनी आइलैंड। एक बंदा जो है वो उनके बीच में एक ऐसी प्लेस पर है जहाँ से वो ईजीली कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर जा सकता है, आई थिंक वो बिल्कुल बीच में है। इफ़ रिक्वायर्ड एफडेक, ड्रिल डेक, एस्ट्रो डेक एंड डिसाइडेड टू गो डिफरेंट आइलैंड, तो वो तीनों जाते हैं और एक भी उनके बीच में रहता है। नाउ क्लोन डेक डिसाइडेड टू वेट, हाउ एवर शी वॉन्ट्स टू बी एट सच अ प्लेस दैट शी कैन रीच एनी ऑफ द थ्री। और ये जो क्लोन डैक है वो एक ऐसे प्लेस पर है उस ट्राइंगुलर पर जो तीनों आइलैंड्स हैं उनके बीचों बीच में ऐसे प्लेस पर है जहाँ से वो ईजीली किसी को हेल्प करने के लिए पहुँच सकता है। एंड इन सेम टाइम, एक ही टाइम पर, मतलब तीनों से उस ऐसी जगह पर, ऐसी जगह पर है जहाँ से वो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, सो दैट कि वो एक ही सेम टाइम में ही वो कहीं भी पहुँच सकते हैं। कैन यू हेल्प हर लोकेट द करेक्ट पोजीशन फॉर हर। तो उसकी करेक्ट पोजीशन को लोकेट करना है कि वो एक्चुअली होगी कहाँ पर, तो आपके पास जो, हाँ, तो आपको ये मिस्ट्री लिखनी है, एक तो मिस्ट्री टू सॉल्व और हाइपोमीनिया यानी कंक्लूजन। पहले मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री ये है कि कौन सी डिस्टेंस पर उसे प्लेस किया जाए क्लोन डैक को, सो दैट कि वो वहाँ से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर हो। उसके बाद है हाइपोमीनिया, और हाइपोमीनिया से पहले ये चारों ने क्या क्लूज निकाले, ये चारों क्या सोचते हैं, देखो पहले। The boat row in a straight line.
जो नाव हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, और दूसरा ये क्या है, द पोजीशन ऑफ आइलैंड रिलेटिव टू ईच अदर मैटर्स। हाँ, जो आइलैंड्स की पोजीशन है वो वाकई में मैटर करती है, एक दूसरे के रिलेटिव, एक दूसरे की रेस्पेक्ट में जो उनकी डिस्टेंस है वो इक्वल है और ये मैटर करती है, ये इसमें ज़रूर ध्यान रखना है। इवन इफ द शेप मेड बाई थ्री आइलैंड ऑन द मैप इज नोन, थ्रो इज इट पॉसिबल टू फाइंड द करेक्ट पोजिशन। इफ़ द शेप मेड बाई थ्री आइलैंड्स, अगर वो तीन आइलैंड की शेप बना ली जाए एक मैप के अंदर, अगर उसकी उनकी पोजिशन पता हो तो ये पॉसिबल है कि हम करेक्ट पोजीशन पता कर पाएँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका हाइपोमेनिया हो जाएगा। मे बी वी नीड टू अप्लाई सम प्रॉपर्टी ऑफ शेप्स, क्या हम कुछ शेप्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करके कर सकते हैं क्या यहाँ पर, तो सारा क्लू दे रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हाइपोमेनिया में वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप हाइपोमेनिया तक करिए, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, अब देखें जरा, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल एंड अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। अब अगर आप एक फिगर देखिए पी क्यू आर, इसमें क्या है, तीन तो साइड्स हैं पी क्यू क्यू आर और आर पी, थ्री एंगल्स हैं आर पी क्यू पी क्यू आर और क्यू आर पी, ठीक है। थ्री वर्टेसेस हैं, वर्टेसेस हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे अपोजिट साइड्स कौन सी हैं, तो आप एक बार देखें कि अगर पी आर जो है इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, क्यू, पी के अपोजिट एंगल साइड कौन सी होगी, ये क्यू आर। इसे कहेंगे कि इस पी क्यू को कहेंगे कि ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है आर के, ठीक है, एंगल आर के, और एंगल पी के अपोजिट साइड है आर क्यू, ठीक है। अब देखते हैं जरा, अपोजिट साइड्स का मतलब हुआ अपोजिट एंगल, अब ये साइड के अपोजिट एंगल ये हो गया और इस एंगल के अपोजिट साइड ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि सिक्स एलिमेंट्स लिखने हैं, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके अंदर जो अगर लाइंस हैं उनको क्या नाम देंगे हम, ए बी ए सी और बी सी, ये लाइंस हो गई। एंगल कौन सा होगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, या इनको अगर एंगल्स को नाम देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी, दूसरा एंगल ए बी सी और ये हो जाएगा ए सी बी, थ्री एंगल्स हो जाएंगे। तो ये फोर सिक्स जो एलिमेंट्स हैं, थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स, ये बेसिक होता है ट्राइंगल का। ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स होते हैं और तीन ही साइड्स होती हैं। अब आप देखें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रीजन ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का कौन सा हिस्सा इंटीरियर और कौन सा हिस्सा एक्सटीरियर होता है। देखें आप, देखिए पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया है, इसके बाहर कोई पॉइंट है तो उसे कहेंगे ये एक्सटीरियर पे है। ये पॉइंट भी अगर सपोज कोई भी पॉइंट जो उससे बाहर, इसकी लाइन जो है ना उसके भी बाहर है, तो उसे बोलेंगे कि ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर रीजन में है, और जो पॉइंट इसके अंदर होंगे ट्राइंगल के इनसाइड में होंगे, डी है बी है सी है, ये हो गए, इसको बोलेंगे कि ये इंटीरियर रीजन में, ये इंटीरियर में है, ये एक्सटीरियर में है, लेकिन कुछ पॉइंट जो हैं वो इसकी बाउंड्री पर भी हैं तो उन्हें कहेंगे ऑन द बाउंड्री। जैसे एक्स और ए, इस ये दोनों पॉइंट्स कहेंगे कि दीज टू पॉइंट्स, और टी, दीज थ्री पॉइंट्स ए एक्स और टी, दीज आर ऑन द बाउंड्री, ठीक है। नाउ कम टू, अभी इसमें इसी पर एक बात और आती है, मीडियन, यहाँ पर आता है मीडियन। अब ये मीडियन क्या है, मीडियन का मतलब है कि ट्रायंगल चाहे किसी तरह का है लेकिन उसका जो वर्टेक्स है ऊपर वाला, जो उसका वर्टेक्स है ऊपर वाला, वहाँ से एक लाइन अगर जो सामने अपोजिट साइड पर पड़ती है,
अपोजिट साइड पर पड़ती है, अपोजिट साइड पर पड़ती है। तो देखिए इस ये जो इसका मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके अपोजिट साइड में, इसके सामने वाली साइड में मिड पॉइंट पर मिलेगी। अगर ये मिड पॉइंट पर मैच होगी तो इसे बोलेंगे मीडियन। तो इसके बेसिस पर प्रैक्टिस जोन वन दिया हुआ है, तो ये आप पूरा थोरोली पढ़ के ज़रा प्रैक्टिस जोन वन करने की कोशिश करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताएंगे इसके बारे में, और मैं इसके आगे आपको डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।